हाय दोस्तों, मैं दबंग सिंह फिर हाजिर हूँ बिग बॉस का रिव्यू लेके। दोस्तों, ये रोटी चीज़ ये कैसी है? पहले तो मैं सोचता था कि रोटी के पीछे गरीब आदमी है वही लड़ता है, पर यहाँ तो हर एक कोई लड़ता है। कल बिग बॉस में एक रोटी के पीछे वो घमासान लड़ाई हो गई कि भाई रोटी नहीं हुई, पता नहीं क्या हो गया। बिग बॉस में रोटी खाने आए हैं कि परफॉर्म करने आए हैं? बस वो रोटी को ले गए कि भाई एक रोटी मिल रही है मेरे को खाने को। अपना शुरू हुआ आसिम और वो बरसा अपना रश्मि के ऊपर। भाई किसने डिसाइड कर दिया कि आज एक रोटी मिलेगी? करते करते वो जो एक रोटी की जो लड़ाई थी ना, जो एक रोटी कम मिली थी, वो पूरे घर के अंदर फैल गई और ऐसा घमासान फैल गया कि बीच में सिद्धार्थ शुक्ला भी कूद गया, बीच में अपना पारस भी कूद गया, मायरा भी कूद गई, शहनाज भी कूद गई, और ऐसी ऐसी बातें जो मतलब पिछली बातें सारी की सारी उस रोटी के ऊपर डिस्कस कर दी गई कि रोटी एक ही मिल रही है, तू मुझे बहन कहती है, तू मुझे ये कहती है। मतलब रोटी पे गरीब आदमी को लड़ते तो देखा ही है, ये सेलिब्रिटीज़ को लड़ते पहली बार देखा है मैंने। अब यहाँ पे बारी आई टास्क की। जो टास्क परफॉर्म करना था, मैंने जैसे आपको कल ही बताया था कि आज जो टास्क किया जाएगा उसके अंदर डिसाइड किया जाएगा कि टिकट टू फनाले गर्ल्स में से किसको मिलेगा। तो ये टास्क का नाम रखेगा बीबी टॉय टास्क। इसमें था कि टॉयज़ बनाने थे, जो स्टफ टॉयज़ होते हैं, जैसे पिछले आपने सब इस बिग बॉस में देखा होगा कि टॉयज़ के लिए मटेरियल दे देता है, रुई वगैरह, धागा, बटन्स, कुछ स्टफ टॉय के कवर्स, जिसको करके स्टफ टॉय बनाने होते हैं। टीमें दो बना दी गई, एक शुक्ला टीम और एक पारस टीम। जैसे ग्रुप बने हुए हैं उसी तरह टीमें बना दी गई। अबू मलिक को बीच में बना दिया गया एज ए परफॉर्मर कि भी तूने इसको जो टास्क को पूरा परफॉर्म अच्छी तरह करवाना है। और दो टीमों में वही सेम टीमें थी जो पिछली बार रखी गई थी। भाई जो शुक्ला जी की टीम में थी, अपना आरती, शहनाज, आसिम और शेफाली, और पारस की टीम में थी देवोलीना, रश्मि, सिद्धार्थ देव और मायरा। अब इनको दो कलर दे दिए गए, एक रेड कलर जो शुक्ला टीम को दे दिया, येलो कलर आपको पारस टीम को दे दिया गया। स्टार्टिंग सिद्धार्थ शुक्ला, आपको पता ही है, गेम को बहुत अच्छी तरह प्लान करता है। वो प्लानिंग में उसे स्टार्टिंग में कर दिया भी हम ऐसा करेंगे कि इनके टॉयस जो कि दूसरी टीमों ने सेलेक्ट करने थे, बनाने थे, और दूसरी टीम ने बताना था कि ये टॉयस ठीक बने कि नहीं बने, भी देखेंगे कि ये कैसे करते हैं हम। इस पर जो तीन तीन जो अच्छे होंगे वो क्लियर कर देंगे और बाकी रिजेक्ट कर देंगे। बट पहला चांस जो बिग बॉस ने दिया, बजर बजा, बाहर गार्डन एरिया में कंटेनर आया जहाँ से टॉयस का सामान लेके आना था। सबसे पहले यहाँ टीम से आसिम और सिद्धार्थ शुक्ला भागे और दूसरी टीम से सिद्धार्थ देव और देवोलीना भागे। यहाँ पे बहुत तगड़ी फाइट करके, जिसे कहते हैं सामान छीना झपटी करके लिया। इसमें सिद्धार्थ शुक्ला को थोड़ी चोटें भी लग गई। देवोलीना आज की डेट में ऐसे बम्बारमेंट कर रही है, ऐसे फिजिकल हो रही है कि कुछ कह नहीं सकते। अब बिग बॉस कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा। भाई देवोलीना पिछले टास्क में भी फिजिकल हुई, इस टास्क में भी फिजिकल हुई। बट चलो, टास्क स्टार्ट हुआ। अब जब टास्क स्टार्ट हो गया तो बहुत सारे टॉयज सिद्धार्थ शुक्ला की टीम ने बना दिए। पारस को बुलाया गया अभी, तो उसमें देख ले कि जो ओके हैं और जो रिजेक्शन है। पारस ने बिना देखे सब के सब टॉयज ऐसे ऐसे फेंकता गया और रिजेक्ट करता गया। यहाँ पे मुझे पारस का बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि पारस जो गेम पॉजिटिवली नहीं खेल रहा, वो शुरू से ही नेगेटिवली खेल रहा कि मैंने इनका कोई भी टॉय पास नहीं होने दिया। जबकि पहले डिस्कस करते हुए देखा गया था सिद्धार्थ शुक्ला को, वो कह रहा था भी जो टॉयज ठीक होंगे हम उनको क्लियर करेंगे, जो ठीक नहीं होंगे उनको रिजेक्ट करेंगे। यहाँ पर सिद्धार्थ शुक्ला को मौका मिल गया। जब दूसरी बार पारस की आई कि भी तुम्हारे टॉयस आके देख ले, तो सिद्धार्थ शुक्ला भी सेम वही, सबके सब टॉयस जो रीज़न पारस ने दिया वही रीज़न सिद्धार्थ शुक्ला ने दे दिया और सारे टॉयस रिजेक्ट कर दिए। अब ये देखा जाए तो टास्क ऐसा नहीं था कि टास्क को परफॉर्म किया जा रहा था। टास्क के भ्याप के ऊपर जो इनकी पर्सनल लड़ाई थी, जो थे, वो सारे सारे निकाले जा रहे थे। अब जो सिद्धार्थ शुक्ला और रश्मि की लड़ाई है, जो स्टार्टिंग से एक डेढ़ वीक से पहले स्टार्ट हुई है, वो अभी तक खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। मतलब कहीं ना कहीं ये चीज़ वहीं पे आगे घूम फिर के एक आयाती है अभी, सिद्धार्थ शुक्ला और रश्मि की लड़ाई। और ये लड़ाई बहुत तगड़ी चल रही है और बहुत घमासान चल रही है। इसके बीच में हर एक प्लेयर एक एक करके कूदता रहता है। और दूसरी पारस और शहनाज की लड़ाई, देवोलीना ने कल ये तक बोल दिया पारस को कि भाई अगर तूने दोबारा शहनाज का मुंह लगाया या उसे बातें करी तो भैया मैं तेरे को ब्लैक रिंग दे दूंगी सारे के सारे। मतलब ये पारस की लड़ाई भी और शहनाज की लड़ाई भी बढ़ती 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 जा रही है, जो कि पहले लव स्टोरी से स्टार्ट हुई थी, अब वो लड़ाई में कन्वर्ट हो गई है। और उसके बाद पारस और शहनाज की लड़ाई में करते करते देवलूना टापी, रश्मि टापी, फिर वहाँ से आरती आ गई और फिर आपकी शिफाली आ गई और फिर माहिर आ गई। फिर कहते हैं ना वो बॉम्बे भाषा में कैट फाइट, तो भाई कैट फाइट कल तगड़ी देखने को मिली सब लड़कियों के बीच में। दोस्तों, ये तो थी कल के एपिसोड के बारे में। अब आने वाले एपिसोड में क्या होगा, यानी कि आज क्या होगा, आज इसी टास्क को आगे कंटिन्यू किया जाएगा। और बिग बॉस ने कल ये भी बोल दिया भाई जैसे तुम खेल रहे हो, जैसे तुम परफॉर्म कर रहे हो, मुझे नहीं लगता कि ये टास्क
जिसके अंदर तुम्हें एक टिकट टू फाइनल मिलनी है वो कोई जीत पाएगा, मुझे लग रहा है ये टास्क को भी कैंसिल करना पड़ेगा। और दूसरा, जैसे सिद्धार्थ शुक्ला की टीम थी वो थोड़ी सी नरम पड़ रही थी कि भाई ये कैसे कर रहे हैं, टाउन से लड़ाइयाँ कर रहे हैं, तो सिद्धार्थ शुक्ला ने बहुत अच्छी तरह, जिसे कहते हैं टीम कैप्टन की तरह, अपनी टीम को मोटिवेट किया और बहुत ढंग से मोटिवेट किया। तो हो सकता है सिद्धार्थ शुक्ला की टीम आज अच्छी परफॉर्म करे। ओके दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, देखते रहिए मायापुरी कट। कल फिर मिलेंगे इसी टाइम इसी समय बिग बॉस का रिव्यू लेके, तब तक के लिए सत श्री अकाल, कॉपी टू ऑल।